महाराष्ट्र के जिला पुणे में पुष्पावती नदी किनारे बसा है गांव टिकेकरवाड़ी। ग्राम पंचायत टिकेकरवाड़ी ने पर्यावरण को सहेजते हुए ऐसे कई काम किए हैं जो अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक मिसाल है। ग्राम पंचायत एवं यहाँ के लोग अपने गांव को लेकर तो जागरूक हैं ही, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी सजग हैं। हमारे गांव के ऊपर ही चलने वाले प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसके गांव के जो संसाधन है उसका यूज़ करके हमने 33 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, उसके साथ 55 घरों का हम गैस भी दे रहे हैं। तो इसमें हम हमारी ऊर्जा खुद बनाते हैं और खुद खर्च करते हैं। ग्राम पंचायत टिकेकरवाड़ी ने नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से मिले फंड 16 लाख रुपए से गांव में पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू किया। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने के साथ ही जैविक ऊर्जा से बिजली और गैस दोनों पैदा किए हैं। बायोगैस बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया कचरा जैविक खाद में बदल जाता है। इसका इस्तेमाल खेतों के लिए होता है। आज गांव में 15,000 किलोवाट से भी ज्यादा की बिजली सोलर पैनल, विंडमिल यानी पवन चक्कियों एवं बायोगैस के जरिए पैदा की जाती है। इस बिजली से जहां दिन में स्कूल की कंप्यूटर लैब, मंदिर, ग्राम पंचायत ऑफिस चलते हैं, रात को स्ट्रीट लाइटों से गांव की गलियां रोशन होती हैं। इस सोलर से हमको बहुत सा फायदा हुआ है। हमारा गैस भी बच रहा है और बिजली भी बच रही है और हमारे बच्चे भी ठंडी के वजह से गर्म पानी से नहा रहे हैं। पंचायत ने ग्रामीणों के सामने सोलर गीजर लगवाने पर 40% सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा। अनेक परिवारों ने इसके लिए उत्साह दिखाया। मेरे गांव में एक कम्युनिटी बेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट है जो पूरी पंचायत की ओर से चलती है और उस कम्युनिटी गैस प्रोडक्ट से जो खाद बनती है, मतलब हमारे किसानों के लिए हमारे पंचायत ने जो सुविधा की है उसके अंदर हमें पर किसान को स्लरी मिलती है, जो स्लरी हम हमारे खेतों में यूज़ करते हैं। स्लरी का यूज़ करने से मेरा जो फसल का प्रोडक्शन है वो 40% से इंक्रीज़ हुआ है और जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लगभग 30% से कम हो चुका है। मतलब उस वजह से मेरा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हुआ है और मेरा जो प्रोडक्ट है मतलब जो उपज आती है वो भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ जाता है, मतलब जिससे अभी लोगों को बहुत परेशानी होती है जब केमिकल वाला जब सब यूज करके जो उपज आती है उसमें से बहुत हेल्थ का इशू होता है लोगों को।